जय हिंद साथियों, ऑडिट का एक महत्वपूर्ण पेपर आपके सामने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़िए, लगभग 70-80% क्वेश्चन मिल जाना चाहिए आपको। मेहनत किया जा रहा है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इसको पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, मेहनत करें। क्वेश्चन है कि 8 क्वेश्चन हमने गेस किया है लगभग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बहुत देर से आप लोग मैसेज फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन द इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, सजेस्ट करिए कि कौन कौन से रास्ते या साधन हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरनल चेक को इफेक्टिव बनाने के लिए, और ये इंटरनल कंट्रोल से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से डिफरेंस पैदा करता है। वही नहीं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट स्पेशल पॉइंट विल रिसीव योर अटेंशन व्हाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। कोई बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी का अंकेक्षण करते समय अगर आप वो एक सीए हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, ये सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको डिफरेंस पैदा करना है कॉस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच, और ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करने के नियम क्या होते हैं। फिर आपको डिस्कस करना है ब्रीफ में, मतलब संक्षिप्त में भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कौन होता है। अपॉइंटमेंट मतलब ऑडिटर की नियुक्ति, ड्यूटीज़ क्या, कर्तव्य हैं, शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वालिफिकेशन पूछ लेता है कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन भी बताइए कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द एन ऑडिटर, ये भी पूछ लेता है। फिर अगला सवाल है कि वैल्यूएशन क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन क्या होता है। अगर आप एक सीए हैं तो एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अस्थाई संपत्तियों का, करंट असेट का, फिक्स्ड असेट का, इंटेंजिबल असेट का, या फिक्स लाइबिलिटीज़ का, करंट लाइबिलिटी का कैसे करते हैं। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मेथड्स, इसके मेथड बताइए, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द वेरीफिकेशन। अब ये सवाल बड़ा हो गया, कई बार आपसे पूछा जाता है वेरीफिकेशन करिए असेट का, इन्वेंट्री का वेरीफिकेशन करिए, इन्वेंट्री कैसे करते हैं, कैश इन हैंड का वेरीफिकेशन करिए, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। तो वेरीफिकेशन भी अपने आप में छोटा टॉपिक नहीं है, वैल्यूएशन और वेरीफिकेशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर बनना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस पैदा करना है क्लीन और क्वालिफाइड रिपोर्ट, मर्यादित और स्वच्छ रिपोर्ट, तो इनको देखना है। और एक सवाल इसी में और है कि एक आपको क्वालिफाइंग रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का एक स्पेसिमेन बनाना है, फॉर्म वो बनाना है, नमूना बनाना है एग्जाम में, कैसे बनता है इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है एक्सप्लेन अबाउट द वाउचिंग, वाउचिंग क्या होती है, प्रमाणन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस और जनरल प्रिंसिपल क्या क्या हैं, अकाउंट्स में ऑडिट करने के, ऑडिट करने के क्या क्या जनरल प्रिंसिपल हैं वाउचिंग के, उनको लिखना है। आखिरी क्वेश्चन है ऑडिट क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले यूनिट से है, इसके ऑडिट के टाइप्स बताइए, जैसे कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, ये सब, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन लिखिए, ये सवाल है। तो मेरा मानना है कि इसमें से आपको लगभग 60-70%, 80% तक भी क्वेश्चन मिल सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।